डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो करें स्टार्ट। ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी निकालना है, कहां पर निकालना है? एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल। डायपोल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किया था और हमारा क्वेश्चन है कि आपको इस केस में एक डायपोल गिवन है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और आपको एट एनी पॉइंट का मतलब एट एन एंगल ऑफ थीटा आपको यहां पर वी निकालना है, और ये डिस्टेंस कितना है ए एंड ए, और आपको आर डिस्टेंस पे वी निकालना है। अब ये क्वेश्चन हमने ऐसा किया हुआ है, हमने ई के साथ किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में याद है ई एक्सएल ई इक्वेटोरियल 90 डिग्री वाला रूल सेम। तो इसके अंदर ये आसान इसलिए है क्योंकि इसमें वेक्टर नहीं है, तो मान लो ये डिस्टेंस आर वन है, मान लो ये डिस्टेंस आर टू है, तो ये q चार्ज r1 डिस्टेंस पे v कितना लगाएगा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r2, और ये चार्ज कितना लगाएगा यहां पर v? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q डिवाइडेड बाय r1। देखा जाए तो मेरा आंसर आ गया। प्रॉब्लम ये है कि डायपोल के जितने रिजल्ट्स हैं वो r1 r2 की फॉर्म में नहीं, r की फॉर्म में आने चाहिए, r एंड थीटा की फॉर्म में और a की फॉर्म में, स्टैंडर्ड रिजल्ट r, क्योंकि साइड डिस्टेंसेस कहां से लिए जाते हैं? फ्रॉम सेंटर। तो r1 और a R1 को कैसे रिप्लेस करेंगे R की फॉर्म में, एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। देखो कैसे एक कंस्ट्रक्शन करनी है आपने, जस्ट थोड़ा सा इस लाइन को एक्सटेंड करके ड्रॉ अपर पेंडिकुलर, ये रहा, सच दैट अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इस ट्राइंगल में कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई ए, तो एक्स की वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगी? ए कॉस थीटा, तो मैंने बनाई हुई है। अगर ये ए है ये थीटा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, तो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। सिमिलरली एक परपेंडिकुलर, ये a है ये थीटा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अगेन x डिवाइडेड बाय a, तो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो ये वैल्यू कितनी है? ए कॉस थीटा, ये वैल्यू कितनी है? ए कॉस थीटा। कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर जैसे ये जो डिस्टेंस है r1 है, अब मुझे पता है कि डायपोल एक्चुअल में वेरी वेरी इज वेरी 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 स्मॉल, बहुत छोटा है, ए बहुत ही छोटा होता है, mm में होता है, तो आप अंदाजा लगाओ a cos थीटा भी बहुत ही ज्यादा छोटा है। ये दिख रहा है बड़ा, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में दिस इज वेरी 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 स्मॉल। तो अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं इक्वल टू नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टेंस देख रहे हो r1, इस r1 को अप्रोक्सीमेटली मैं इसके इक्वल लेने वाला हूं, इसको इसके इक्वल है नहीं मुझे मालूम है, पर अप्रोक्सीमेटली।
तो ये आर वन है, ये डिस्टेंस कितना बनेगा यहां से लेके सेंटर तक कितना है आर, और प्लस क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो आर वन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, आर प्लस ए कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज ए इज वेरी वेरी स्मॉल, ये इक्वल टू नहीं है कम से कम। उसी तरीके से ये आर टू देख रहे हो, ये आर टू अप्रोक्सीमेटली मैं इसके इक्वल लेने वाला हूं कि ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली इतनी लेंथ के इक्वल है, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा छोटा है, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, दिस आर माइनस ए कॉस थीटा। तो आर वन की वैल्यू क्या आ गई, ये डिस्टेंस कितना आ गया, आर टू कितना आ गया, आर माइनस ए कॉस थीटा। ये इक्वल टू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली है, नियरली अबाउट। तो जस्ट एक अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन में ये डिस्टेंस कितना है आर वन, तो आर वन किसके इक्वल है, आर प्लस ए कॉस थीटा। सिमिलरली ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक बराबर, तो ये डिस्टेंस इज आर माइनस ए कॉस थीटा। अगेन इसलिए क्योंकि दिस इज वेरी 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 स्मॉल, ये बहुत छोटा है, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको ऐसे लिखेंगे कि अपना आंसर मुझे आर वन को आर की फॉर्म में सॉल्व करना है। तो बस कुछ नहीं करना, आर वन की जगह यहां पुट करेंगे ये रहा आर प्लस ए कॉस थीटा, आर टू की जगह आर माइनस ए कॉस थीटा यहां पुट करेंगे, यहां से ये टर्म जो है एलसीएम लेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये टर्म इधर आएगी, ये टर्म इधर आएगी, इसको माइनस करेंगे, आर से आर क्या हो गया कैंसल, कैंसल करके आपके पास क्या आ गया, टू ए कॉस थीटा। क्यू इंटू टू ए डायपोल के लिए क्या बोलते थे इसे, डायपोल मोमेंट पी, आंसर आ गया। तो पोटेंशियल की वैल्यू जब डराइव करनी होगी आपको, ये एनसीईआरटी में आती है, अगेन लिख लो फॉर एनसीईआरटी, तो जब डराइव करनी होगी तो आप ये पोटेंशियल की वैल्यू थीटा एंगल पर डराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ आर एंड ए, आंसर आएगा। फिर कभी कभी आंसर क्वेश्चन एक्सटेंड भी हो जाता है कि आप पोटेंशियल निकालो ऑन एक्सियल लाइन, जैसे हम ई के लिए क्या करते थे। तो एक कुछ नहीं करना, यहां तक प्रूव करो, अगर थीटा जीरो हो जाए तो ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा, सीधा एक्सिस पर, तो कौन सी लाइन आ जाएगी, एक्सियल लाइन। थीटा को जीरो पुट करते हैं, कॉस जीरो कॉस जीरो कॉस जीरो वन होता है, तो ये आंसर आ गया एक्सियल लाइन पे। अगर क्वेश्चन आएगा कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर वी निकालो, इक्वेटोरियल में थीटा को क्या पुट करेंगे, 90, तो थीटा को जब 90 पुट करेंगे, 90 90, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। और वैसे भी अगर एक डायपोल है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक, ये इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, सच दैट ये आर, तो जब वी यहां निकलेगा तो जितना पोटेंशियल ये प्लस क्यू लगाएगा 1/4πε0 q/r, उतना ही पोटेंशियल माइनस क्यू भी लगाएगा 1/4πε0 q/r, तो इक्वेटोरियल लाइन पर वी हमेशा हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये डेरिवेशन प्रूव हो जाएगी, अगर क्वेश्चन आएगा तो पॉइंट पे वी निकालो तो वी की वैल्यू थीटा की फॉर्म में आएगी, एक्सियल इक्वेटोरियल जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग इसको पुट कर लेना। कोई डाउट इसमें, अरे तो क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक। अब इसमें क्वेश्चन है क्या करेंगे, इसमें वी निकाल